अपने मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आई हूँ अपने घर, मतलब अपने मामा के घर, और इतना भीड़ है यहाँ पे, मैं कहीं पे भी कुछ भी बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ना फोन थोड़ा कहीं पे भी अगर मैं वीडियो करना शुरू कर देती हूँ, सब आके मुझे देखते रहते हैं क्या करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब भीड़ भाड़। तो इसी वजह से ना मुझे अभी एक अच्छा सा यहाँ पे जगह एक मिल गया है, और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब फ़ैन ऑन है और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है हवा में, क्योंकि अंदर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मैं कब से ना ढूंढ रही थी कहीं पे मुझे अकेला एकांत जगह मिल जाए जहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन कर लूँ। सो फाइनली मुझे जगह मिल गया और मैं आराम से बैठी हुई हूँ। और बाहर तो इतना ज़्यादा क्राउड है, सब दुल्हन को देखने आए हैं, छोटी दुल्हन को देखने आए, और वो बहुत ही क्यूट लग रही है दिखने में। और फिर मैं बस आज का यही ऐसे ही दिखाती रहूँगी कि आज मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ रहती हूँ। सो बस आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। एक्चुअली मैं ना जीन्स पहन के आई थी, फिर मतलब जो दीदियाँ हैं और मामा हैं, सब मामी हैं, सब लोग ने मुझे बोला कि छोटी शादी में जीन्स नहीं पहनते हैं गाँव में, तो स्पेशली यहाँ पर मेखला चादर पहना जाता है। यहाँ पर ना छोटे से छोटे ने बच्चे ने भी मेखला चादर पहना है, और वो दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये शायद बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने अपना कल्चर अभी तक रखा है, कि मेरी तरह नहीं है कि कहीं पर भी जीन्स पहन के चले आए। शादी वगैरह होने से तो हम लोग मेखला चादर को इतना महत्व दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे लोग पहनते हैं यूजुअली गांव में, सो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था उनको, और इसी वजह से मैंने भी ये सिंपल सा मेखला चादर पहन लिया, असामीज ड्रेस। सो ये है मेरा लुक। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपली बस लिपस्टिक लगाया है, और या समय ज्वेलरी पहना है, साथ में वॉच पहना है, और ये है मेरा ड्रेस पूरा। अकेले में ना ड्रेस दिखाना थोड़ा प्रॉब्लम। सो यही कुछ अंदर का नज़ारा, कुछ इस तरह से डेकोरेशन किया गया है। सो बेसिकली असमिस कल्चर में ना लड़कियों की दो बार शादी होती है, एक होती है छोटी शादी और एक होती है बड़ी शादी। छोटी शादी मतलब तुलोनी ब्याह, और बड़ी शादी मतलब जैसे दुल्हा दुल्हन की होती है ना उस तरह की। सो तुलोनी ब्याह एग्जैक्टली होता क्या है? तुलोनी ब्याह मतलब जब हमारी लड़कियों का जब फर्स्ट प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है ना, तो हम उस मोमेंट को तुलोनी ब्याह बोलते हैं, और उस मोमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम तुलोनी ब्याह बोलते हैं। ब्याह मतलब शादी में ना एग्जैक्टली जैसे बड़ी वेडिंग होती है ना, उसी तरह से हम उस छोटी सी दुल्हन को सजाते हैं, नए ड्रेसेस देते हैं, मतलब ज्वेलरीज पहनाते हैं, एग्जैक्टली जैसे बड़ी वेडिंग होती है उसी तरह से बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। और शायद हमारे में ही सिर्फ असमिस कल्चर में ही ऐसा होता है कि लड़कियों की दो दो बार शादी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और हम जैसे कि आप देख रहे हो, इस हम छोटी दुल्हन को हम सजा रहे हैं उसको अच्छे से पूरा ड्रेसअप करके। सो आप मेरे साथ इंजॉय कीजिए हमारा तुलोनी ब्याह।
ये मेरा कजन छोटा ब्रदर बहुत दिनों के बाद मेरे से मिल रहा है बहुत दिनों के बाद मुझसे मिला है, कम से कम 3 या 4 साल हो गए मुलाकात करते करते। तो फाइनली आज शादी के घर में मैं इससे मिल गई हूँ और फिर भी शर्मा रहा है बेचारा। मैं कब से बोल रही हूँ एक बार हाय तो कर दे, हाय कोई ना दुनिया सारे धीरे सब हो, हाय 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 बाय बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ठंडा वंडा पीने क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे। तो चलो सुनो मैं कब से और किए से কুমকুম বৰা, বা ইমান ধুনীয়া নামটো তোমাৰ, তুমি স্কুল যোৱা নে নোযোৱা? হেল্ল' মিষ্টাৰ, কি হ'ল হাঁহি আছা যে? হা কিয় হাঁহি আছা? মোকতো পাহৰিয়ে থাকিলে। মই কোন হয়? মই কোন হয়? মই কোন হয়? পেহী হয় নহয়? হা নহয় তোমাৰ মাহী হয় দেই। তোমাৰ মাহী দাদা পেহী So I can give you one more chance. You're only living in your damn head. और अब मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस वगैरह चेंज करने क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। फिर उसके बाद चलते हैं पेट पूजा करने। की बनाए सा? কি বনাইছা? আম বনাইছা? এইটো আম নেকি? এইটো আম নহয় নহয়, কোনে বনাই দিলে ঘৰ? কি বনাইছা তুমি? অ লাভ বনাইছা, অ দিল বনাইছা, তুমি লাভ বনাই দিল কি হাঁহি আছা? তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, কোৱা না প্লিজ, কৈ দিয়া। তোমাৰ নামটো বুধন? অ সুমন, অ আৰু তোমাৰ নামটো? বুধন। আর তোমার নাম সুমন, ভাল লড়া। তোমার নাম তো এই মুখে কেন হয়ে? তোমার নাম তো করে কত বলো? তুমি কইছো না? নমস্কার, আমার নাম রাজশ্রী বড়া। রাজশ্রী বড়া, বা দেখিস একদম স্টাইল কবই না লাগে। ভাই ক্লিপ কাজল কোন লাগালে ক্লিপ ডাল? হ্যাঁ নিজে লাগালে না, ফাগুনিক যে এইটো আইলা, ফাগুনিক যে এইটো আইলা গেলে নাম ঘর গুছে।